डाइट में प्रॉपर जैसे सैलेड्स नहीं होते, वेजिटेबल्स नहीं होते, अगर आपकी डाइट से ही आपको सफिशिएंट मिल रहा है, लेकिन आजकल डाइट्स में भी आप देखो कि वेजिटेबल्स प्योर नहीं है। फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स आती है, फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स आती है बिल्कुल। नहीं लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी डाइट ही बहुत प्योर हो तो हो सकता है बहुत सारे डिजीजेस प्रिवेंट हो जाए। पर आजकल आपको ये भी नहीं पता कि जो आप वेजिटेबल्स खा रहे हो उसमें भी कितना क्या है, तो इसलिए ऐसा रूल नहीं है। अगर आपकी डाइट से ही आपको सब कुछ मिल रहा है तो आपको ज़रूरी भी नहीं आप लो, बट वी आर नॉट श्योर बेसिकली। इसलिए आजकल काफ़ी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं, जैसे इन कमिंग ईयर्स मुझे नहीं मस्ट बेसिकली, हाँ इसलिए वी रूटीनली गिव इट, वी डोंट टेक चांस, ठीक है। अच्छा एनीमिया भी इंडिया में बहुत कॉमन है, तो सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, कैल्शियम भी देते हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो यू नीड नॉट टू टेक, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे कई पेशेंट्स को आयरन छूटी नहीं होती, तो अगर वो डाइट से कंपेंसेट कर लेते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ड्रग्स पे डिपेंडेंट रहो, बट ये आपके ऊपर है कि आपको मिनिमम 11 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए प्रेगनेंसी में, वैसे 12 होता है लेकिन प्रेगनेंसी में इट मस्ट बी 11। तो 50% पेशेंट्स का देखते हैं किसी का 10 आ रहा है, किसी का 10.5। तो अगर आपकी डाइट अभी से इतना कम है, मतलब बहुत कम लेडीज ऐसी होती हैं जिनका 11 प्लस होता है, तो उनको अगर कई पेशेंट्स कहते हैं हम लोग डाइट से ही मेंटेन कर लेंगे मैम, हमें कोई मेडिसिन नहीं दे, तो इट्स नॉट नीडेड। अगर आप हर मंथ 11-13 मेंटेन कर पा रहे हो HB, आप आराम से दो बार दूध ले रहे हो, सप्लीमेंट्स प्रॉपर ले रहे हो, तो ये भी कोई मस्ट रूल नहीं है। लेकिन ज़्यादातर नहीं हो पाता जो प्रैक्टिस में देखते हैं, बहुत कम लोग हैं। इवन मैं सोचती हूँ मेरे प्रेगनेंसी में मेरा 13 रहता था, पर मैं पेशेंट्स को भी वही डाइट बोलती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनको आयरन कैल्शियम देने के बाद भी वो 13 मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं डाइट में तो फॉल्ट होता ही है, या तो वो